राम राम जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं। ना ना ना, हाँ बलजीत आज कम बढ़िया है। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ पराठे आलू और गोभी के मिक्स, आलू गोभी प्याज के मिक्स, प्याज तो भी के पराठे हम भोकाई के बाद बना रहे हैं। हाँ, और ये देखो बन गए, मैंने दही ले लिया और ये रहा पराठा। नहीं बंद कर दे, और मैं खा रहा हूँ। गाइस हम बना रही है आलू गोभी के पराठे, आलू गोभी और प्याज है ना इसमें। घी डाल लिया इसमें, ये भी सुबह घी में तो बाहर रखूंगी ना मैं, जब मैंने तक तो इसकी चम्मच है तो सही, अपने बड़ी चम्मच के लिए रखी है, छोटी है पराठा टाइप की। तो सिर धो गए थे ना, मगर पहले आप तेल लगा दो ताकि वो थोड़े से अच्छे हो जाए। मैंने अभी बहुत रफ रफ है, तो कंडीशनर ना लगाया। कंडीशनर मैंने आप बहुत सारे लगाए थे, वो कुछ हुआ ही ना उससे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है घोड़े ने चबा रखी है। सच में बहुत बेकार कंडीशनर है वो ना, बहुत अच्छा लगा उसमें, कुछ भी ना हुआ क्यों। आज क्यों धो रही है? आज ना धो रही, तेल लगाइयो, आज कर लूंगी। गाइस ये बन के आ चुके हैं मेरे आलू के पराठे, साथ में हैं तो मिर्च के मिर्च का अचार। चाय अभी सागर बना के ला रहा है तो मैं खा लेती हूँ आलू के पराठे। तो गाइस दोपहर का खाना खाने के बाद में फिर हमने कराया रेस्ट वेस्ट, क्योंकि कल की थकान बहुत ज्यादा हो रखी थी। और उसके बाद अभी लगाया मोली का तेल और अब लगवा रहा है सागर तेल। मोली के तो सिर में तो अभी भी लिगड़ा नहीं है गुलाल वगैरह, तो इसका दोबारा तेल लगाया। कल हेड वॉश मैं करूंगी, उससे हम बाहर की तरह सो रहा है बाहर ले बरामदे में, क्यों गर्मी लग रही है उसको। मैं भी सोच रहा हूँ सैम का उस कमरे में कर दो, वो पंखा तेरे से होता है। मैं तो नहीं सोच रही हूँ, कह रहा है मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं भी सैम की तरह गैला मार से ले जाऊँ। इसमें कई यही से साफ कर दी, इसमें गर्मी ज्यादा है, पंखा तेरे से चलता है, मैं इस वाले कमरे में सोऊंगा। कौन सा पंखा तेरे चलता है? उस तरफ वाला। कौन सा? यो ज्यादा तेज चलता है, ये बड़ी आवाज देता है। वो नया पंखा है दुकान का। हाँ हाँ, तो धीरे चलता है ना, वो भी धीरे चला है, इसके जितना तेज ना चलता है। सैम यही से होगा, हम अपनी नींद ना खराब करें। तेरे को उस सोफे पे सोने, उसकी गैस ऐसा है, फिर अगर तेरा बाप उड़ा इसी चलाओ ना चलाओ इसी कमरे में रहोगा। हाँ, फिर आना नहीं है। हाँ ये क्या बात है? यही बात है, क्योंकि उसका भरोसा कौन है, वो चलाओ चलाओ ना भी चलाओ है। ओ मैडम जी, और गाइस कल हमारे कुत्ते को तो आराम तो शांति तो सो गए थे ना, कोई दुखी परेशान ना करे, ये करते करते चुभी ना काटी काटी भी हो तो म्यूजिक चल रहा था, थोड़ी देर करी होगी फिर सो गए होंगे। ये शाम तो पहले ही सो गए, बेरा ना पड़ जाता कमरे के अंदर, कमरा ने किन था। हाँ तो इन्हें देख लिया तो मस्त आ जाता है, हमने की मतलब है इन तो हड्डी दे दी थी इनकी। हाँ अरे भी अलग रही अपने, हड्डी कल ना दी थी, रात ना दी थी, बिना हड्डी के बैठे थे। तो पानी वानी तो दे दिया अपनी। हाँ, पानी और रोटी दी थी। अरे देखी खा रही है, फिर रात में नहीं खाओगी। अरे भाई ना खा ले तू जाके, आओगी हजम करेगी ना घर की। क्या अब देखो किस सूत्र तेरे बैठे ना, जो पोछे वाली बाल्टी भीतर की आ रही है वो के नाम में, तो बातें बीतता रहता हूं कई बातों को थोड़ा सैमी। दया ना हो
कोई और तो डालनी चाहिए थी ना इनको, 3 साल तक। 3 साल की लॉकडाउन तो पैदा हुई जा रही है। हाँ। 3 साल लॉकडाउन ने कितने साल हो लिए? लॉकडाउन हुआ 3 साल तक, अभी 20 में हुआ था लॉकडाउन, अभी 23 गई थी 18 में वह गई थी, 18 के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में गई थी, 17 में जाली। तो ये उसी की वेट कर रहे ना, पहला तो उसकी शादी हुई थी मेरे ख्याल में, और गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको हमारा होली का व्लॉग कैसा लगा, और अब बना लेते हैं हम, 7:30 हो गए, शाम की रोटी पानी, आलू बच रखे हैं, सुबह जो पराठे बनाए थे उसमें तो अभी प्याज टमाटर काट कर उन्हीं की सब्जी छोड़ दी, मैश कर रखे हैं कहते इनकी, इतने मैश नहीं है उसमें, है टुकड़े, मैंने पता है ना जब ही मैंने कही है, पराठे खाए थे, हां तना खाए थे पराठे, खड़े हो लेना थोड़ी सी और थोड़ी, इतनी देर करी थी बस, होगी उठ जाए के सागर, ये बंदे में होगी क्या होगी, हाथ ये तेल तो बहुत टाइट टाइट है, मतलब आदिवासी का तेल है, फिर आदिवासी का तेल है, कोई कुछ बेचता, कोई कुछ बेचता, नाम सबका आदिवासी, हरे रंग की शीशी, कोई कम में भी हो सारी आदिवासी, सोची तो मैंने भी हुई थी, मैंने उम्मीद ना थी कितना सा लिख रहा अभी वो पता नहीं है तेल की वजह से है, ये तो पागल है, लिमिट टाइप के लिए, अभी ठंड इतनी गर्मी इतनी है को ना, जाकर सीधे पानी में पड़ जाओ ना, गर्मी तो बहुत है बाहर लेकर के देखो, आज मैं दोपहर में लते डाल गई, ओ हो आंख भी ना खुल रही, मशीन वाले तो भी कंप्लेन करनी करते ना, धोते रहो नीचे फिर भी कंप्लेन तो करनी पड़ेगी, धो तो रही हूँ, तने भी सिखाऊंगी इस मशीन में दो सीखूं, कितनी तक तो खा रही है सब पीट तक, हेलो सैमी, सैमी गलत क्या है तू, कल तो मैं बंद कर दिया इस गल्ला, आज मैं कर रही हूँ हेलो सैमी, तो गाइस अभी कर लेते हैं शाम के खाने पीने की तैयारी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो गाइस अभी मम्मी बना रही है दाल में छोक लगा रही है, दाल में छोक लगा रही है, ये रही दाल, मेरे प्याज टमाटर और मोदी, ये दोनों आज खुले हैं, कल ना खुले थे तो आगे सिर हो गया हम लोग, हां ना आपको पता है मोदी कैसे करती बल रज हो गई, अगर मम्मी तो कहूंगी मम्मी ना चो बहुत पुरानी हो गई, रात में गए बस परसों रात के ये बोल रही है सोच रही कि हां अभी की बात मान के फिर जाओ ना हाथ छोक लगा दूंगी, मेरी मैं दही तो खा लूंगी, अब मैं चटनी बना लूंगी, मत बनाने दियो, ए चटनी ना बनाए, हाँ मैं ना बनाता हूँ, मम्मी मेरे को मना कर देती है, हाँ जी दाल है दाल खानी है, चाहे दही खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, दाल नहीं खाने दो, चटनी नहीं बनेगी, जीरा चुना गया रात में, क्यों ढाई बोतल बच रखे हैं, क्या करें हम इनका, पी लेंगे सर से कोल्ड ड्रिंक, तेरे पापा का चाहिए के ले जाओ पापा, शाम को 2 के पैसे जाऊंगे 3 के, हम तो फिर 3 9 पे 3 के पैसे जाऊंगे, क्यों 3 से लेकर खोलेंगे एक्सपायर्ड कर दूँ, हाँ तो पी लेंगे हम, आप भी फालतू में दे रहे हो, कोई गैस बूस्ट आ जाएगा उस पर दे देंगे, वो तो वैसे कोई आता ना
मैं दमाई गे रो ऊपर जीरा देखो ये है हमारे पास डालो आप हाँ तो पहले इन्हें तो मिला लो हाँ जी क्या बनाएंगे आप बना दे रहा हूँ क्या आमली कटी चून बेते बेते किसकी कटती है क्या बनाओगी तो मेरे बता दे नहीं तो बता दे क्या बनाओगी ना कैरी चटनी बनाऊंगी मैं तो पोपट लेकिन साथ में दाल भी लेनी पड़ेगी मम्मी ऐसे कहती मम्मी भी खाओ चटनी हाँ मत दियो कोई दिक्कत नहीं मेरे को जा रख ले अपनी चटनी अपने पास मैं अपने पास ही रखूँ मैं तेरे से बढ़िया चटनी बनाऊंगा अब देख तू गाइस अब मम्मी धो रही है रात के बर्तन खाना सबने खा लिया है नौ ही तो बजे हैं अभी खाली ना तन रोटी इतना तो थोड़ी खाई है ये भी हो जाएगी ऊपर नीचे रोटी वो ले जाओ वो पड़े जिन्ने में उसका येलो येलो सा हड्डी हाँ और बजा ले वो सीट खोल दिया तो उसमें खट्टा है देखा है झूठी पिया था मैंने थोड़ा सा एक घूट मगर पी के तो देखूं खट्टा है कल बना लत्ते पत्तियां नहीं प्रेस प्रूस करके रख लिए कदे तड़की आंड है ना जल्दी दूते हैं ऐसे दवा पानी खिड़ता कुछ ना दूते कोई ना मारा भाई आता है बस पानी का बिल ना आता कहा आता पानी का बिल नाना अलग आता है ना प्लॉट पे भी आवे है तुम्हारे क्यों ना आता गांव में जो सही है पर हमको पानी का भी बिल देना पड़ता था मम्मी कहती पानी कम कर दो आप बिजली का कौन सा कम होगा तो कम होगा फिर भी बिजली का तो बिल देना है तो बिजली तो ऐसे ना 24 घंटे चलती ही रहती है देखिए हाँ। तो गाइस बर्तन मेरे हो चुके हैं और बाहर खेल रहे हैं ओए मिठू सैम सागर ना थोड़ी सी देर बाहर घुमा रहा है क्योंकि कल भी ना खुले थे ये ला और आज भी ना पागल है सागर आज भी परेशान है मोली इतना गैल गैल भजा लेना तू यो एक ही भाजते मिट्टू सैम तो अपने उसमें रहता है चाहे कितना कुछ सैम भाज ले और फिर ना मार ना तो गाइस मैं आ गई अंदर सागर खिला रहा हूँ ना बाहर थोड़ी सी देर तो भी भाई इन्हें भी थोड़ी सी देर बाहर घूमना
वो होता है घर में बंद 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 तो फर्क तो पड़ता ही है, इसलिए इनको भी पंखा चलाइए, बाहर घुमाना पड़ता है जिससे काफी फर्क पड़ता है इस चीज का। अभी दादी खुशी घूम लेंगे तो रात ना आकर पड़कर सो जाएंगे। हाँ मिट्टू का तो वो पता अप डाउन ही लगा रहा है, एक बार ऊपर है एक बार नीचे। और गाइस कल होली खेल के थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, पैरों में भी पेन था, ये तो फिर भी फर्क पड़ रहा है। और आज के इस वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स भी करें। वैसे तो इतना कुछ खास है नहीं आज की वीडियो में, क्योंकि कल के थक रखी थी तो इस वजह से इतना कुछ खास नहीं है। क्या हुआ मन ना पता, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।